मेरा नाम अनामिका है, मैं क्लास 7th में पढ़ती हूँ। मेरे को रीडिंग कैंपिंग्स की छोटी छोटी कहानी और कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं, और उसमें जो हम ड्राइंग करते हैं वो भी करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। थैंक यू। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं 6A की छात्रा हूँ। आज मैं आपको रीडिंग कैंपिंग के अंतर्गत एक पोएम पढ़कर सुनाऊंगी। साहिल की पतंग। पतंग हमारी उड़ती जाती, आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो, काट जाने पर हाथ ना आती। धन्यवाद। ठीक, नमस्कार, मेरा नाम आचल है, मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपको एक देशभक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। हम बच्चे अपनी ताकत से तूफानों की दिशा मोड़ दे, आसमान धरती पर रख दे, जग के सब प्रतिबंध तोड़ दे, हम कंधों पर रखते अपने इस धरती का वैभव विशाल, हमसे घबराते दुष्ट सभी, हमें दुष्टों के महाकाल। मेरा नाम हरीश है, मैं क्लास 7th का छात्र हूँ। मैं आपको एक पोएम सुनाना चाहता हूँ। पोएम का नाम है एक कौवा प्यासा था। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था। कौवा लाया कंकड़, घड़े में डाले कंकड़, ऊपर आया पानी, कोए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। धन्यवाद। नमस्ते मैम, मैं परी कुमारी, रोल नंबर 35। मैम, मैं बारिश चैप्टर का क्राफ्ट दिखा रही हूँ। ये मैंने नाव बनाई है और ये मैंने बैग बनाया है जिसके अंदर मैंने कॉपी बनाई है, जिसमें हम सामान भी रख सकते हैं। ये देखो, ये और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, इसमें हम सामान रख रहे हैं। मैम, ये छोटी सी पेंसिल है। मैम, इसके आगे भी सामान रखा जा सकता है, मैंने इसमें कुछ रखा हुआ भी है। ये देखिए, ये मैंने एरोप्लेन बनाया है। थैंक यू मैम। मेरा नाम शगुन है, मैं 7वीं 1 कक्षा की छात्र हूँ। हम सबको ये रीडिंग कैंपेन बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं, वर्क भी कम है, काम भी जल्दी हो जाता है, इंटरेस्टिंग लगता है। धन्यवाद।